हेलो फ्रेंड्स, सोनल बेकिंग कुक में आपका स्वागत है। आज हम सोया मिल्क बनाने जा रहे हैं जो कि सोयाबीन से बनता है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक कटोरी सोयाबीन लिया है। इसे सबसे पहले हमें पानी में भिगोना है। तो यहाँ सबसे पहले एक बर्तन में डालिए और उसमें पानी डालना है। पानी डालकर फिर इसे हमें अच्छी तरह से फूल जाने के लिए रख देना है। ये देखिए, अभी मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। पानी की कोई मेजरिंग नहीं है इसमें, आप आधा एक दो गिलास पानी इसमें डाल दीजिए और 4 से 5 घंटे के लिए इसे फूलने के लिए छोड़ देना है हमें। कैसा होता है, ये फूलना अच्छे से चाहिए। अभी देखिए 3 घंटे हुए हैं, फिर भी मैं आपको इसमें से छिलके अलग करके दिखाती हूँ कि 3 घंटे के बाद क्या छिलके इसमें से अलग होते हैं। होते तो हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होते। हमें देखिए, मैं जैसे निकाल रही हूँ नाखून से, ऐसे करके उसे निकालने में मुझे प्रॉब्लम जा रही है। अब एक एक दाना ऐसे निकालने में तो दिक्कत होगी। कई लोग सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए, लेकिन ये देखिए अभी निकल रहा है लेकिन दाने भी टूट रहे हैं, और टूटने के साथ साथ मुझे एक एक दाने में से इसको निकालना पड़ रहा है, जिसके कारण से अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसको और फूलने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 2 घंटे में भीग जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 घंटे में जब ये फूलता है तो छिलके आसानी से नहीं निकलते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। हमें एक एक दाने को ऐसे निकाल निकालना पड़ता हैगा, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, या तो आप रात को भी भिगा सकते हैं। रात को भिगाइए, फिर सुबह उठने के बाद फिर इसको निकालिए। देख, ये देखिए, अब ये दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसे हम इस तरह से मसल रहे थे। ये देखिए, मसलने से क्या होता है, ये जो छिलके होते हैं इसके पूरे अलग हो जाते हैं। ये देखिए, मसलते जाइए और हाथ से इस तरह से करते जाइए, आप देख सकते हैं ये छिलके कैसे अलग हो जा रहे हैं। ये देखिए, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें और पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी छिलके होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो सोयाबीन की दाल है वो नीचे बैठ जाती है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और एक नीचे बर्तन लेंगे। इसको पहले हम हाथ से ऐसे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जो छिलके हैं वो ऊपर ऊपर आ जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे ये छिलके आ रहे हैं, बस हाथ से थोड़ा सा ऐसे हिलाते हुए निकाल लीजिए। ये देखिए, ये पूरे छिलके अलग हो गए हैं। एक दो दाल इसमें आ भी जाती है तो ये देखिए हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से पूरे छिलके इसमें से अलग हो गए हैं। हमें छिलके पूरे अच्छे से अलग कर लेना है। ये देखिए, हम सारे छिलकों को अच्छी तरह से दाल से अलग कर देंगे। पूरे छिलके एकदम परफेक्ट दाल से निकल जाना चाहिए, दाल अलग और छिलके अलग हो जाने चाहिए। ये देखिए, हमने सभी दाल को छिलके से अलग कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी, एकदम अलग अलग पूरे दाने हो गए हैं और छिलके भी इसमें से पूरे निकल गए हैं। एक आध इसमें आ भी जाता है जैसे, तो वो भी हम निकाल के अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पूरे छिलके अलग हो गए और ये यहाँ पर हमारी पूरी सोयाबीन की जो दाल है वो पूरी एकदम साफ हो चुकी है। ये देखिए, मैंने सभी दाल को छिलके से अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे साफ पानी से अच्छी तरह से धोना है। धोने से क्या होता है, इसके अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वो पूरी अच्छी तरह से साफ हो जाती है, क्योंकि हम मिल्क बनाने जा रहे हैं। मिल्क बनाने के लिए जो दाल का ऐसे स्मेल भी रहता है या उसका जो टेस्ट होता है, ये पूरा अच्छी तरह से पानी से निकल जाता है। इसलिए हमें 2 से 3 पानी से इसको धो लेना है। थोड़ा बहुत छिकल भी होता है तो वो भी क्या होता है, वो धोने से अलग हो जाता है। ये देखिए हमने स्ट्रेनर में पूरी दाल को अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है। उसके लिए हमें जार की ज़रूरत पड़ेगी। इस जार में हम ये दाल को डालेंगे, एक बार में जितना पीस सकता है। अभी हम आधा आधा करके पीसेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी यहाँ पर सोयाबीन लिया था। एक कटोरी में जो पानी की क्वांटिटी होती है वो 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए, मैंने ये बर्तन में 1.5 लीटर पानी मेज़र कर लिया है। इसी पानी का यूज़ करके हम पेस्ट भी तैयार करेंगे। और आगे क्या क्या करना है आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सी में एकदम बारीक इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दूध के शेप में दिख रहा है ना। ये देखिए, जैसे दूध दिखता है बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल दूध की तरह पीस जाता है।
ये देखिए जैसे फ्रेश आप दूध लाते हैं उसमें से फेन आता है, ये बिल्कुल उसी तरह से ये मिल्क तैयार हो गया। फ्रेंड्स पीने में भी बिल्कुल मिल्क ही लगता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसे हमें छानना है। छानने के लिए हमें देखिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास ये दूध छानने वाली छन्नी है, यदि आपके पास मथलिन क्लॉथ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा काम इसमें भी अच्छे से हो जाता है। और इसके ऊपर ये वाला स्टेनर रखना है, इस तरह का स्टेनर सभी के पास होता है। बस अब हम इसे इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए इसे क्या होगा, यदि इसमें थोड़ा बहुत भी ऐसा लम्स जैसे रहेंगे वो पूरे अलग हो जाते हैं। और हम पूरा यूज़ करेंगे, मैं आपको इसका पूरा कैसे कैसे यूज़ करते हैं, पूरी सोयाबीन का पूरा यूज़। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया, अब ये इसमें जो रह जाता है हम इसमें ये पानी डालेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके लेना है फ्रेंड्स, एकदम से पूरा पानी हमें यूज़ नहीं करना है। ये देखिए इस पानी से हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हमें इसको इस तरह से हिलाते हुए पूरा इसके अंदर का निकाल लेना है। हमें जो पानी हमने मेज़र करके रखा था वही पानी से इसको पूरा बढ़िया अच्छी तरह से निकालना है। पूरे पानी जो हमने मेज़र किया था उसी पानी से इसको हमें पूरा क्लियर करना होता है। ये देखिए मैं अलग से पानी नहीं, जो बर्तन में मैंने पानी मेज़र किया था उसी पानी से इसको पूरा छान ले रही हूँ। ये देखिए इसमें से ये जो जितना ये वेस्टेज है ये पूरा अलग हो गया है, लेकिन इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज़ हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताऊँगी इसके बाद में, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ये देखिए दिख रहा है ना, बिल्कुल दूध की तरह, ये दूध का टेक्सचर, ये बिल्कुल दूध बन चुका है। चलिए अब हम इसे पकाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ और, अब जैसे ये तो सोयाबीन मिल्क है, सोयाबीन का जो दूध हम जैसे बना रहे हैं, तो इसमें हल्का सा स्मेल तो आएगा ही सोयाबीन का, तो इस स्मेल को भी हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए हम इसमें थोड़ी सी इलायची डालेंगे। इलायची डालने से क्या होगा, हमने गैस ऑन कर दिया है, आगे देखिए इसे हमें चलाते हुए पकाना है। और जैसे कि मैंने बोला था आपसे फ्लेवर के लिए इसमें हम इलायची डालेंगे, यहाँ हमें 2 से 3 ये इलायची, देखिए मैंने इसे कूट लिया है, छिलके सहित आप इसे डाल दीजिए, क्योंकि जब हम इसे छानेंगे तो छिलका अलग हो जाएगा। इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है ताकि अच्छे से उबाल आने लग जाए। ये देखिए, और क्या होता है फ्रेंड, जिसमें झाग आता है वो झाग हम चम्मच से निकाल लेंगे, क्या उससे थोड़ा कड़वापन होता है। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें उबाल आने लग गया है। सोया मिल्क बनकर रेडी हो गया है, अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। अब आपको इसे पीना है तो आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और जिनके डायबिटीज है तो वो विदाउट शुगर इसे पी सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया होममेड सोया मिल्क बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितने आसान तरीके से बन गया ना, लीजिए सोया मिल्क बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स आप जैसे दूध में देखते हैं मलाई जमती है, उसी तरह से ये देखिए सोया मिल्क में भी ये मलाई आती है। उतनी थिक तो नहीं आती लेकिन ये पतली आती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करें सोनल।